Assalamu alaikum students, how are you? Today our topic is exercise 2D question number 4, that is draw factor trees to show the prime factors of the given numbers. हमने factor trees बनाने हैं prime factors दिखाने के लिए, ये जो numbers दिए गए हैं इनके 15 का, 20 का, 14 का, हमने इन numbers के factor trees बनाने हैं. क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व होंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 का फैक्टर ट्री बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं. इस 12 का फैक्टर ट्री कैसे बनेगा, हमने सबसे पहले देखना है कि 12 किस टेबल में आता है. हम छोटे टेबल से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 के टेबल पर ही देखते हैं कि ये 12 आता है. 2 6 12, हमें पता चल गया कि 2 6 के टेबल पे आता है. 2 6 12 12 बन गया. अब ये 2 है, 2 नेक्स्ट अब किसी टेबल में नहीं आता, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. और 6 जो है, अब हमें पता है कि 6 नेक्स्ट किसी भी टेबल में आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 3 6 2 3 6 2 का ही टेबल 3 तक पढ़ा हमने, तो वो 6 आ गया. अब हमें पता चल रहा है कि 2 भी अब नेक्स्ट किसी भी टेबल में नहीं आएगा और 3 भी किसी भी टेबल में नहीं आएगा सिवाय 1 के या अपने ही टेबल में. तब ये यहाँ पे हो गया ये ट्री स्टॉप, क्योंकि ना तो ये 2 डिवाइड नेक्स्ट डिवाइड हो सकता है, ना ही ये 2 नेक्स्ट और ना ही ये 3 नेक्स्ट डिवाइड हो सकता है. अब ये जो 2 येलो में 2 2 3, ये नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि ये नेक्स्ट डिवाइड नहीं हो रहे. और ये 6 जो है ये नेक्स्ट क्योंकि डिवाइड हुआ है, और ये 12 भी नेक्स्ट डिवाइड हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर. वो नंबर्स जो नेक्स्ट डिवाइड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 12 और ये 6, ये नेक्स्ट नेक्स्ट डिवाइड हुए, इनके स्टेप बने हैं, तो इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर. और जो स्टॉप हो जाते हैं, जो नेक्स्ट डिवाइड नहीं होते, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स. ये प्राइम फैक्टर्स इनके बन गए, ये 2 2 एंड 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं. ये 6 जो है ये कंपोजिट नंबर है. हमने नेक्स्ट भी जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो हमने इसी तरह करने हैं. अब हमारा क्वेश्चन है 15. अब हम इसका फैक्टर ट्री देख लेते हैं ये कैसे बनेगा. 15 है, अब हम इसको 15 को वैसे ही लिखेंगे. 15 लिख लिया, अब हमें पता है कि ये 15 जो है वो और नंबर टेबल में आएगा, तो वो क्या है, 3 5 15, 3 5 15 बन गया. अब ये नेक्स्ट 3 जो है, 3 भी किसी भी टेबल में नहीं आएगा, 5 भी किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो ये प्राइम फैक्टर जिसके क्या बन गए, 3 एंड 5. फैक्टर ट्री हमारा ये 15 का कम्प्लीट हो गया. हमने देखा कि 15 किस टेबल में आता है, छोटे से टेबल से ही हमने स्टार्ट कर लिया, 3 के टेबल से. 3 5 15 बन गया, और ये 3 और 5 जो हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, 3 एंड 5. नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, 20 का हमने देखना है फैक्टर ट्री बनाना है. 20 हम देखते हैं, 2 10 20, 2 10 20 बनता है. अब हम ये 2 जो है वो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 2 जो है नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता. 10 10 नेक्स्ट डिवाइड हो सकता है, 2 5 10, या 5 2 10, 2 5 10 ये बन गया. अब नेक्स्ट ये वाले जो पार्ट है, इस पार्ट का, ये भी 2 डिवाइड नेक्स्ट नहीं होता, 5 भी नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता, जब तक वो डिजिट ना आ जाए, वो नंबर्स ना आ जाए, वो खुद अपने ही टेबल पे डिवाइड हों, अपने ही टेबल में आए, तब तक हमारा ये ट्री चलता है, वरना वो स्टॉप हो जाता है. सी पार्ट है 14 देखते हैं हम. 2 7 14, हमने 2 के टेबल से ही स्टार्ट किया, 2 के टेबल पे 7 पे आया 14, 2 7 14 बन गया. 2 भी नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता और ना ही 7 नेक्स्ट डिवाइड होता है, ये यहाँ पे स्टॉप हो गया. हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए जो नेक्स्ट डिवाइड नहीं होते, वो क्या है, 2 एंड 4. 21 का फैक्टर देख लेते हैं. 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 7 20 21, 3 7 21, 3 भी नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता, 7 भी नेक्स्ट डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 एंड 7. स्टूडेंट्स, अब हमने इसी एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड.
अब हमने जैसे हमने पहले ट्रीज़ के थ्रू प्राइम फैक्टर्स मालूम किए, अब हमने इनको डिवीजन के थ्रू इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। वो कैसे मालूम करने हैं? फर्स्ट है हमारा 84। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 84, सॉल्यूशन है इसका 84। हमने जो प्राइम फैक्टर्स या मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से, वो डिवीजन मेथड ये है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। 84 हम लिखेंगे ऊपर, फिर हमने जस्ट 84 जब राइट करना है, हमने अभी 84 को देखना है कि ये किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है। जैसे हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी किए थे 3 से 2 से 8 से 9 से 10 से किए थे, हमें उसके थ्रू पता चलेगा कि ये 84 नंबर जो है ये क्या है, इसके यूनिट प्लेस क्या है, ये किस टेबल से डिवाइड होंगे। हमने उसी तरह से इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें पता चल रहा है ये 4 है, 4 को हम किसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। हमने ये डिवीजन मेथड करने के लिए सबसे स्टार्टिंग टेबल जो होता है हमने उसे स्टार्ट करना होता है, 2 से स्टार्ट करें, 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले ही हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब 4 हमें पता है कि 4 डिवाइड हो सकता है 2 से, तो हम 2 लिख रहे हैं, 2 4 ज़ार 8 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ार 4 स्टार्टिंग है आपकी। इसीलिए मैं आपको ये रफ वर्किंग के थ्रू बता रही हूँ, ये आपने करनी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। 84 हमने स्टार्ट पे लिखा हुआ है, बिल्कुल 84 में लिखती हूँ, 2 से डिवाइड करके देखती हूँ, 2 4 ज़ार 8, 4 नीचे आया, 2 2 ज़ार 4, ये हमारा क्या आंसर आया, 42। हमारा यहाँ पे भी आंसर क्या आया, 42। अब फिर से हम 42 को डिवाइड करेंगे, 2 किसके साथ डिवाइड हो सकता है, 2 अपने ही टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ार 4, 4 भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ार 2 1 भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसकी कंफर्म कर लेते हैं, इसे इस डिवीजन से 42 अंदर रखा, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 नीचे आया, 2 1 ज़ार 2, हमारा क्या आंसर आया, 21। यहाँ पे भी हमारा आंसर आया 21। स्टूडेंट्स ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, 21 है। अब ये यूनिट प्लेस जो है वो ऑड है, हम कोई और टेबल लेंगे तो हमारे पास 2 के बाद 3 का टेबल है, 3 के टेबल में 21 आता है, यस 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 ज़ार 21। अब 7 आया हमारे पास, ये देखें इधर रफ वर्किंग में भी बता रही हूँ, 21 है, 3 7 ज़ार 21, 7 आंसर हमारा, इधर भी 7 आंसर। 7 अपने ही टेबल में आता है, 7 किसी और टेबल में नहीं आता, तो हम इसकी फिनिश इसे किस तरह से करेंगे, एंडिंग करेंगे इसका, 7 1 ज़ार 7। तो ये हमारी, जब तक ये लास्ट पे 1 आ जाए ये, तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, फैक्टर्स चलते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, जब तक लास्ट पे 1 नहीं आ जाता आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इट मींस के 1 आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, हमें अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे मालूम होंगे, ये जो साई पे हमने जिन टेबल्स के साथ इनको डिवाइड किया है वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 2 3 7 2 2 3 7, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि हमने देखा था कौन कौन से जो नंबर्स थे वो किस किस टेबल में आ रहे हैं, वो हमने बता दिए थे। हम यहाँ पे भी इनको टेबल्स को बता रहे हैं, 2 2 3 7, इन टेबल्स के थ्रू हमने इस 84 को डिवाइड किया है, सॉल्व किया है, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या बने, 2 2 3 7 आंसर हमारा आ गया। अब बी पार्ट देखते हैं इसका, 1 1 7 1 1 7 को रखेंगे हम। अब ये देखें हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये 7 है, 7 ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ार 9 11 में से 9 माइनस करें तो क्या आएगा, 2 2, इधर इस 7 के साथ आ जाएगा, 27 बन गए ये, 3 9 ज़ार 27, 27 कहाँ आता है, 3 के टेबल में 9 पे आता है, 3 7 9 ज़ार 27। अब हमारे पास क्या आंसर है, 39। अब ये आप इसको कंफर्म करने के लिए खुद से इधर साइड पे वर्किंग करके देखेंगे, रफ वर्किंग करके देखें कि आंसर ठीक आ रहे हैं, 3 1 ज़ार 3, 9 है, 3 3 ज़ार 9, हमारा 39 भी सॉल्व हो गया। अब 13 जो है वो अपने ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, 13 को हम इसी के टेबल से कर लेंगे, 13 1 ज़ार 13, तो इसके प्राइम फैक्टर्स 117 के क्या बने, 3 3 13, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 117 आर 3 3 13, आंसर हमारा आ गया। अब इसका हम सी पार्ट कर लेते हैं, 3 3 3 3 है, हमने इसका प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं,
थ्री है तो हमें पता चल रहा है ये थ्री के ही टेबल में आ जाएंगे, थ्री वन जार थ्री, थ्री वन जार थ्री, थ्री वन जार थ्री। फिर से ये इलेवन वन है तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, थ्री थ्री जार नाइन, टू इधर कैरी आ जाएगा, ट्वेंटी वन बन जाएंगे, थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन, थर्टी सेवन, थर्टी सेवन भी किसी टेबल में नहीं आता है। पढ़ के देखें, आपको टेबल्स करवाए हुए हैं, आप टेबल्स पढ़ के देखें, 37 किसी भी टेबल में नहीं आता, 37 भी अपने ही टेबल पे जाएगा, 37 वन जार 37। प्राइम फैक्टर्स ऑफ ट्रिपल थ्री आर 33337, 37 प्राइम फैक्टर्स हो गए। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट जो आप होमवर्क में करेंगे वो हैं डी एफ एच आई, ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 के डी ई एफ, डी ई एफ, ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।